पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर के साथ होती नजर आ रही है। आगरा की ग्राम पंचायत श्यामू से प्रधान प्रत्याशी राजवती देवी चुनावी मैदान में हैं और जोर शोर के साथ प्रधान पद के विजय के लिए जनसंपर्क कर रही हैं। राजवती देवी के कई मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। गरीब महिलाओं के लिए लघु उद्योग से लेकर गांव में वृद्धा महिला पेंशन या फिर गांव के करंजा नालियों के जरिए गांव में विकास कराने का दावा कर रही हैं। हर मुद्दे को लेकर जनता के बीच आ रही हैं। राजवती के देवर अध्यापक चेतन सिंह का कहना था कि गांव में युवाओं के लिए एक मिनी स्टेडियम तैयार किया जाएगा और स्वास्थ्य से संबंधित सरकार की हर एक छोटी बड़ी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का काम करेंगी। वाई के सिटी न्यूज़ से संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट आगरा से। मेरा नाम चेतन सिंह है और ग्राम पंचायत श्यामों से प्रधान पद के लिए हमारी भाभी श्रीमती राजवती देवी पत्नी प्रयाग सिंह चुनाव लड़ रही हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी पिछले 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी को पता है कि हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रयास है। 15 तारीख को चुनाव होना है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा फीडबैक? जनता का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है क्योंकि सभी को पता है कि हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जब भी समाज में ज़रूरत पड़ती है तन मन धन की, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए जनता का सहयोग हमारे लिए पूरा मिल रहा है और हमें पूरी अपेक्षा है कि जनता, हम जनता के विश्वास पर और जनता हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे। खड़ी ग्राम पंचायत में श्यामो, जिसमें अगर हम ये पूछें कि कौन सी ऐसी समस्याएं जिनको आप निवारण करेंगे प्रधानमंत्री? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की समस्या है। अक्सर करके पानी की समस्या गाँव में बनी रहती है। शिक्षा को लेकर भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो हम इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें हम सफल होंगे। प्रधानी का अपना मुकाबला आप किस तरह देख रहे हैं? कौन है जो कि आपको जो है इस मुकाबले में टक्कर देने वाला है? ये हमारा तीसरा प्रयास है और जिस तरह से लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की हमसे अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित ही हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और क्योंकि जनता का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है और निश्चित ही अब की हमारी सफलता निश्चित ही हमें मिलेगी। गांव में जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको विधवा पेंशन और उनको रोज़गार मिले, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जो शमशान घाट की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। जब भी किसी प्रकार का कोई देहांत होता है तो लोग आते हैं बाहर से, तो हमेशा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य कराएंगे, जिससे कि मोक्ष धाम असली रूप में मोक्ष धाम के रूप में दिखे। बात की जाए तो जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में बहुत से लोगों को दूसरे की जरूरत होती है, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या योजना देख रहे हैं? इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन योजना है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वृद्धा महिलाएं हमारे द्वार पर न जाएं, हम उनके द्वार पर जाएंगे और उनके घर घर जाकर, जिस तरह आज हम वोट मांग रहे हैं घर घर जाकर, उस तरह हम उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज गरीबी किस कदर है कि लोग जीवन गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन जीने के लिए बचे, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए अब की बार हमने पिछले 6 महीने में 300 लेबर कार्ड बनवाए हैं, जिसके माध्यम से गरीबों को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर हम उनको सुविधाएं दिलवा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार मोदी जी का एक अभियान चला था कि सभी के लिए घर घर शौचालय, फिर भी शिकायत मिल रही है कि कुछ गाँव में ये शौचालय नहीं बने हैं, आपकी तरफ से किस प्रकार के प्रयास किए? हमारे ये प्रयास करे जाएंगे कि जो लोग पात्र हैं, वास्तव में जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, तो डोर टू डोर जाकर हम उनका पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे और जो पात्र होंगे उनको 100% शौचालय उपलब्ध कराने का हम कार्य करेंगे। ग्रामीणों की अधिकांश शिकायत रहती है कि गांव में मुख्य, जैसे हम ही आपके गांव जब हम खुद आ रहे थे तो देखा जा रहा था गांव की सड़कें बहुत ख़राब है और नालियों में काफ़ी पानी भरा हुआ है, क्या आपकी तरफ से योजनाएं रहेंगी? देखिए, हम पिछले 35 साल से प्रयाग सिंह ठेकेदार जी, जो उनकी पत्नी राजवती चुनाव लड़ रही हैं, प्रयाग सिंह ठेकेदार पिछले 35 साल से नगर निगम में अपना सेवा दे रहे हैं, तो ये तो हमारा पैतृक काम है। अगर हमें मौका मिलता है तो इस पर हम विशेष रूप से काम करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से नालियों को पाट लेते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको ड्रेनेज सिस्टम को लोहे की पटरी से, लोहे का सिस्टम कवर चैनल करके उनको हम सही करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि चैनल खोलकर आप आराम से सफाई कर सकें और आने वाले समय में हमारे जो घर नीचे पड़े जाते हैं वो नहीं होंगे। बात की जाए अगर बच्चों के शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विकास के लिए और क्या करने वाले हैं?
क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ और मैंने कमिटमेंट किया है कि अगर मुझे हमारे शिक्षा प्रधानी के रूप में अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फ्री ट्यूशन दूंगा, जो कि ये मेरा परम कर्तव्य होगा। खेलकूद को लेकर क्या कहना है? खेलकूद को लेकर हमारा ये कमिटमेंट है कि अगर हमें रोज़गार के रूप में बच्चों को मिनी स्टेडियम, जैसा कि हमारे गाँव में बहुत सारी जगह है, तो हम बच्चों को मिनी स्टेडियम दिलाने की कोशिश करेंगे। बात की जाए स्वास्थ्य की, तो आजकल इलाज इतना महंगा हो गया है कि लोग स्वास्थ्य इलाज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में आप उनके लिए क्या करना चाहोगे? हमारे भारत सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश की गोल्डन कार्ड योजना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ये कार्ड वितरित किए जाएँ जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हो अपने मतदाताओं? मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि आपके सामने जब एक शिक्षित और नौजवान और एक योग्य उम्मीदवार है, तो आप जातवाद में न बटकर योग्यता के आधार पर और विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब की एक सही उम्मीदवार को चुनें और देश और अपने गांव के विकास की उन्नति में सहयोग दें। अगर विकास की बात की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो है महिला सशक्तिकरण। अगर हमें प्रधान के रूप में सेवा करने का मौका मिलता है तो हमारे गाँव में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो बेरोजगार हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको, जैसे कि हम दोना पत्तल की लघु उद्योग के रूप में, विकास के रूप में, रोजगार के रूप में उनको दे सकते हैं। और बहुत सारी जैसे सिलाई सेंटर है, इस समय लघु उद्योग के माध्यम से हमारे जो क्षेत्र के मंत्री हैं चौधरी उदयवान सिंह जी, वो लघु उद्योग मंत्री हैं, तो उनके माध्यम से हम बहुत सारे रोजगार लाएंगे जिससे कि गाँव की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और महिलाओं को जो सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है वो हम उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। किसका चुनाव लड़ रहे हो? प्रधान पद का। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह आपका? कैमरा। कौन सा नाम से लड़ रहे हो आप? श्याम उगाम से। प्रचार में कौन कौन साथ जाता है? सभी साथ जाते हैं, सब साथ में। किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं आप? सहयोग बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है। यकीन करते हो आप हमारे माध्यम से? हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, विजयी कराएं। क्या चुनाव चिन्ह है? कैमरा। हम पंचायत श्यामा से, मेरी पत्नी श्रीमती राजवती चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है। मैं श्यामा की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारी से भारी मत देकर विजयी बनाएं। गाँव में बहुत सी समस्या ऐसी हैं कि गरीब विधवा औरतों के लिए कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं है, पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, और मोक्ष धाम है उनका सौंदर्यीकरण कराना है, और भी बहुत सी ऐसी काफ़ी समस्या हैं जो आज तक नहीं हुई हैं। गली खरंजा मेन मुद्दा है। अभी तक लोगों से किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है? अभी तक लोगों से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और सभी लोग, सभी सर्व समाज के मुझे सहमत हैं और वोट दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मेरी पत्नी श्रीमती राजपति प्रत्याशी ग्राम पंचायत श्यामो और चुनाव चिन्ह कैमरा पर वोट देकर बहुत ही अपना सहयोग।